क्या किसी का जिन से सामना हुआ है? हाँ, मेरा एक से अधिक अवसरों पर जिन से सामना हुआ। जो करीब आ गया वह मैं तुम्हें बताऊंगा। एक बार मैंने एक सूफी बाबा के बारे में सुना था जो दिल्ली में एक मजार के पास गुरुवार को लोगों की समस्याओं का समाधान करते थे। इसलिए मैं अपने परिवार के एक सदस्य के साथ वहां गया। मुझे पता था कि वहां जरूर कुछ होगा क्योंकि मैं ऊर्जा महसूस कर सकता हूं। वह दिल्ली की जेजे कॉलोनी की एक गंदी और संकरी गली में रहता था। प्रत्येक गुरुवार को वह आसपास के सभी गरीब लोगों को भोजन कराते थे और उनकी समस्याओं का समाधान करते थे। जब मैं उनसे मिलने गया तो वह अपने एक कमरे वाले अपार्टमेंट की पहली मंजिल पर बैठे थे। जब मैं ऊपर चढ़ा तो वह किसी ऐसे व्यक्ति से बातचीत कर रहा था जिसकी बेटी पर आत्मा का हमला हुआ है। उसने बातचीत करने और आत्मा को दूर करने के लिए ये सब नाटक किया और उसी बीच मैंने देखा कि उसके पास बैठा एक व्यक्ति उस लड़की को ध्यान से देख रहा है। वह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था और मैं उसके बारे में कुछ कुछ समझ सकता हूँ। वह शख्स कुछ बड़बड़ा रहा था और लड़की रोने लगी और देखते ही देखते लड़कियां बेहोश हो गईं। जब उसे होश आया तो वह ठीक थी। उस व्यक्ति ने उसे 50 रुपये दिए और चला गया। उसने ज्यादा कुछ नहीं पूछा। मैंने देखा कि वह किसी से बहुत अधिक रकम नहीं ले रहा था। कुछ लोग उसे केवल 10 रुपये देते थे क्योंकि वहां रहने वाले लोग बहुत गरीब थे। मैं उस शख्स को करीब से देख रहा था। मेरी बारी से पहले बाबा ने दोपहर के भोजन की घोषणा की और उन्होंने सभी को आमंत्रित किया कि यदि वे इसमें शामिल होना चाहते हैं। मैं वही एक कोने में कमरे में बैठ गया और बाबा जी कुछ लोगों के साथ दोपहर का भोजन करने लगे। उस अजीब व्यक्ति ने उन सभी को दोपहर का भोजन दिया जिसमें रोटी और कुछ प्रकार की ग्रेवी थी और वही बैठ गया, लेकिन वह खुद कुछ भी नहीं खा रहा था। जल्द ही मैंने अपना ध्यान उस पर केंद्रित कर दिया और पुष्टि करने के लिए मन ही मन कुछ मंत्र का जाप करने लगा। इससे वह व्यक्ति तुरंत असहज स्थिति में आ गया। मैं देख सकता हूँ कि वह सहज है, अपनी बैठने की स्थिति बदल रहा है। वह भी बड़बड़ाने लगा। हो सकता है यह उसका अपना मंत्र हो, लेकिन मैं अच्छी तरह से सुरक्षित था। वह मुझे घूरने लगा, उसकी आंखें घूम गईं और मैं समझ गया कि वह कोई जिन है। जब उसने मुझ पर सब कुछ आजमाया तो वह अपनी आंखें नीचे करके वहीं बैठ गया और मैंने भी मंत्र जाप करना बंद कर दिया क्योंकि मैं और अधिक जानना चाहती थी। फिर मेरी बारी आई और मैंने कहा कि मैं अंत में बाबा जी से मिलूंगा क्योंकि मेरे पीछे बारी बारी से दो और लोग हैं। बाबा जी ने उन दोनों से बात की और वे चले गए। जब मैं बाबा जी के पास अकेला था तो मैंने उनसे उस व्यक्ति के बारे में पूछा तो उनका रंग उड़ गया। उन्होंने मुझसे कई सवाल पूछे कि मैं कौन हूँ, वहाँ क्या कर रहा हूँ, उन्हें क्यों परेशान कर रहा हूँ। मैंने उसे आश्वस्त किया कि मैं यहाँ कुछ भी बिगाड़ने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ जिज्ञासावश आया हूँ। तब उसने बताया कि वह एक जिन है जिसने उससे अपने धर्म इस्लाम के अनुसार अच्छे काम करने के लिए मदद मांगी और इस तरह गुरुवार को ये जिन मेरे पास आया और उसकी मदद से वह गरीब लोगों की मदद करने की कोशिश करता है। उन्होंने मुझसे ये सब गुप्त रखने का अनुरोध किया क्योंकि उनके धर्म में समस्याओं के समाधान के लिए जिन या किसी प्राणी की मदद लेना बुरा माना जाता है। यहाँ तक कि गुरुवार को जो खाना वह बांटता था वह भी जिन द्वारा तैयार किया जाता है। मैंने कभी भी उसके रहस्यों को किसी के सामने प्रकट नहीं किया क्योंकि वह और वह जिन वास्तव में गरीब लोगों की मदद कर रहे थे। लेकिन ये जिनों के साथ मेरी करीबी मुठभेड़ों में से एक थी, इस मामले में एक अच्छा जिन।
क्या किसी ने अपने जीवन में कभी जिन अग्नि देवदूत देखा है? हाँ, मेरे पास है। 12 साल की उम्र से लेकर मेरी वर्तमान उम्र 17 साल तक, जहाँ मैंने कुछ दिन पहले उसे फिर से देखा था। पहली बार मैंने जिन को 12 साल की उम्र में देखा था, उस समय सुबह के 3 बजे थे। मुझे एक बुरा सपना आया और मैं अचानक जाग गया। मुझे एक अजीब सी उपस्थिति महसूस हो रही है और मैं जानता था कि कुछ ठीक नहीं है। मेरे शरीर में सिर से पांव तक झुनझुनी होने लगी और मुझे बेतरतीब ढंग से गुरु के जोर जोर से हिनहिनाने की आवाजें सुनाई देने लगी। मैं असमंजस में था कि मैं गुरु की हिनहिनाहट क्यों सुन सकता हूँ। हालांकि जब मैंने अगले दिन अपने माता पिता को बताया तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरा गैराज घोड़ों का अस्तबल था। वैसे भी घोड़ों की आवाज सुनने के बाद मैंने देखा कि मेरे कमरे में कुछ चल रहा है और बैठ गया है। उसके लंबे काले बाल थे और वह बिल्कुल मेरी बहन की तरह दिखती थी। मैं बहुत उलझन में था क्योंकि मेरी बहन मेरे ठीक बगल में सो रही थी। मेरे माता पिता ने तब मुझे बताया कि यह एक जिन है, क्योंकि वे मानव रूप धारण करने की क्षमता रखते हैं। कुछ दिनों बाद फिर से उसी समय सुबह 3 बजे मेरे शरीर में फिर से झुनझुनी होने लगी। यह आपके पूरे शरीर में चुभन और सुइयों की तरह महसूस होगा और यह वैसे ही है जैसे आप अपने शरीर पर कुछ महसूस कर सकते हैं। मुझे फिर से घोड़ों की आवाज़ सुनाई देने लगी। फिर भी इस बार मैंने अपने दरवाजे के सामने लंबे सफ़ेद बालों वाला एक जिन खड़ा देखा। आज तक भी जब भी मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो डर जाता हूँ। मुझे ठीक ठीक याद है कि वह कैसा दिखता था। जिन्नों की शक्ल कुछ इस तरह दिखती थी। PS: जिन्नों को इस तरह देखने के बावजूद ये वास्तव में उनका असली रूप नहीं है। ये किसी भी इंसान के लिए संभव नहीं है। पैगंबर को छोड़कर अल्लाह का आशीर्वाद और शांति उस पर हो और उनके साथी पैगंबर जिन को उनके मूल रूप में देखने के लिए। इसका मतलब यह नहीं है कि आपने जिन को नहीं देखा है, ये सिर्फ अपने वास्तविक रूप में नहीं है। उसके बाद पिछले कुछ वर्षों में मैं हमेशा अपने कमरे में अपनी बहन के बिस्तर पर भी काली आकृतियां देखता था। एक रात में मैंने लगभग 10-15 बार उस काली आकृति को अपने बिस्तर के ठीक बगल में खड़ा देखा। मैं अपने कानों में कई बार जोर जोर से चीखने की आवाज सुन सकता था और मेरे शरीर में हमेशा झनझनाहट होती रहती थी। वह संकेत था कि मुझे पता था कि कुछ होने वाला है। पाकिस्तान में मेरे परिवार का एक सदस्य एक अच्छे जिन को जानता है। उसने पुष्टि की कि मेरे कमरे में उसकी मौजूदगी थी। कई बार जब मैं आधी नींद और आधी जागती थी, मैं काली आकृतियों को अपने बिस्तर की ओर रेंगते हुए देखती थी, जहां मैं अचानक उठती थी और अयोतुल कुर्सी पड़ती थी। एक साल पहले मेरी माँ के पाकिस्तान जाने से पहले रसोई की खिड़की में एक काला पक्षी दिखाई दिया और बांध देता रहा। ये लगभग वैसा ही है जैसे वह पागल हो गया हो। मेरी माँ ने इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं सोचा और हमने इसे नजरअंदाज कर दिया। हालांकि कुछ दिनों बाद जब वह पाकिस्तान गई तो मेरे और मेरी बहनों के कमरे में सुबह 6 बजे एक काली चिड़िया फिर से दिखाई दी। 2 दिनों तक सुबह 6 बजे खिड़की पर दस्तक, थपथपाहट और तेज आवाजें आ रही थी। फिर मेरी बहन बेतरतीब ढंग से उठी, उसने दर्पण में देखा और फर्श पर गिर गई। ये कुछ ऐसा है जो मुझे हमेशा सिहर देता है। जाहिरा तौर पर उसी समय वह घटना घटी। मेरी माँ ने मुझे बताया कि वह अपने चाचा से बात कर रही थी, जो जिन्नों के बारे में अत्यधिक जानकार है और उन्हें अपनी शरारतें छोड़ने का आदेश दे सकता है।
मुझे भी 3 बार स्लीप पैरालिसिस का अनुभव हुआ है, जिसे कई लोगों और विद्वानों ने जिन बताया है, जिनको स्पष्ट रूप से अलखानिक गला घोटने वाला कहा जाता है और अरबी में इसे अल जथूम और अल नायदालान भी कहा जाता है। हालांकि केवल अल्लाह ही बेहतर जानता है। जब आप नींद के पक्षाघात का अनुभव करते हैं तो आप भारी दबाव, छाती में जकड़न महसूस कर सकते हैं और बोल नहीं सकते। ये कुछ सेकंड या मिनट तक चल सकता है। नींद में पक्षाघात से पहले मुझे एक बुरा सपना आया। मेरे शरीर में झुनझुनी होने लगी और मैंने अपने बिस्तर के बगल में एक काली आकृति देखी। मैं अपनी पीठ के बल सो रहा था, हालांकि ऐसा न करने की सलाह दी जाती है। यह शायद अब तक के सबसे डरावने अनुभवों में से एक था। हाल ही में 2 दिसंबर 2020 को मुझे डरावने सपने और विचार आने लगे, जिनसे मैं आसानी से छुटकारा नहीं पा सकता था। मैं खुद 3री मंजिल पर सोता हूँ। चाहे मैंने इन विचारों को नज़रअंदाज करने की कितनी भी कोशिश की हो, मुझे एक अजीब सी तरंग और कुछ गड़बड़ महसूस हो रही थी। हमेशा की तरह उस रात मेरे शरीर में लगभग 5 बार फिर झुनझुनी होने लगी। मैंने अपने बिस्तर के बगल में एक लंबी ऊंची काली आकृति देखी।